मेरी अब वास्ट वर्क है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। बहुत सारी बुक्स की वो ऑथर है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मैम के हैं, तो मैम इज अ वेल नोन इन दिस फील्ड। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर भारती फॉर दिस सेशन, एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज एंड TWSN वर्टिकल। सो ओवर टू यू मैम। Hello, thank you, Dr. Gulshan. And I see quite a lot of participation here. 130 लोग हैं. कितने लोगों ने जुड़ना है? हेलो, यस मैम, यस मैम 130। हाँ, कितने यस मैम, पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेड हैं? अभी प्रेजेंटली अराउंड मैम 146. 146 एक्सपेक्टेड हैं. ओके, बट हाँ वन जी मैम, थर्टी हियर. ओके, सो भूपेश जी, झारखंड से हैं आप जी? भूपेश जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो हम सब सुन भी पाएंगे. अभी तो हम आपके जेस्चर से समझे कि आप कह रहे हैं यस मैम जी. सो भूपेश जी, क्या सेशन है अभी का, क्या टाइटल है इस सेशन का, चलिए बताइए. सेशन का टाइटल है एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस पे हम लोग, ये सेशन है. बिल्कुल, तो अभी बीनू विनीता कुछ कहने वाली हैं झारखंड से. जी बीनू जी, आपका हैंड रेज्ड है. एक्चुअली मैम, प्रीवियस सेशन में एक मुझे एक डाउट था, मतलब क्लियर करना था, डिफरेंस बिटवीन कार्टून एंड एनिमेशन. डिफरेंस बिटवीन कार्टून एंड एनिमेशन, एनिमेशन वेरी नाइस क्वेश्चन. तो बाकी पार्टिसिपेंट्स कोई बताना चाहेगा? एंड देन आई विल टेक दिस अप एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर माई सेशन. जी, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कौन बताना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन कार्टून एंड एनिमेशन? नोबडी, दैट साइजिंग 146 के अराउंड है. मैडम, धीमान हेलो, साहब आप लोग बोलते एक्सक्यूज मी होंगे. मैम, आई कैन से आई एम कुमारी जी बुद्धि फ्रॉम किशनगंज बिहार. जी बताइए मैडम. कार्टून, हाँ मैम, कार्टून में ये है कि हम लोग चित्र के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं ड्रॉ करके, और एनिमेशन में उसका वीडियो भी रहता है जिसमें वो बोलता हुआ रहता है और बहुत इम्प्रेसिव होता है. बट तो कार्टून में नहीं बोलते हैं? मैम इन नहीं, कार्टून कार्टून में भी ऑल्सो, बोलते हैं, कार्टून में भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कार्टून ड्रॉ करके, जिसमें चित्र के इन माध्यम इन से भी स्पष्ट पता इन चलता है. कार्टून, मैडम, हम ये कहें क्या कि एनिमेशन में डिजिटली हम चित्र बना रहे हैं, तो यस यस मैम, डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिफरेंस जो है इन वो इन ऑडिबल कार्टून नहीं इन है. कार्टून इट इज स्टिल पिक्चर्स एंड द इंफॉर्मेशंस आर गिवन थ्रू द फिगर्स ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स. एंड इन एनिमेशन दैट कार्टून कैरेक्टर्स और एनी कैरेक्टर इज इन अ मूविंग वीडियो मोड, सो दैट इफ ही इज स्पीकिंग समथिंग देन वी पिक्चराइज. बट सर, कार्टून इज ऑल्सो इन द एनिमेटेड फॉर्म, इट कैन बी बिकॉज इट ऑल्सो मूव्स. मैम एनिमेशन इज इल्यूजन. ओके, अनदर टर्म यू हैव लॉन्ग हेलो यूज्ड. मैडम. यस जी सर, बताएं. कार्टून इज अ कैरेक्टर और अ मॉडल, एंड एनिमेशन इज द प्रोसेस टू मूव द कैरेक्टर और द मॉडल. ओके, एनीबडी एल्स? मैम, लेट्स एग्जॉस्ट ऑल द या ऑप्शन. आई वुड कार्टून ट्राई टू इज एक्सप्लेन इट द वे टू आई डी अंडरस्टैंड डायमेंशन इट. में कार्टून को हम लोग देखते हैं, जबकि एनिमेशन में 3D डायमेंशन होता है, जिसमें कि हम मैं जी बताएं. सो मैम बीनू जी, वेरी नाइस डिस्कशन यू हैव स्टार्टेड. सो लास्ट टू ऑब्जर्वेशंस, दिलीप विज कह रहे हैं कार्टून एसेंशियली टू डायमेंशनल नॉन रियलिस्टिक ड्रॉइंग्स, ऑफन कैरिकेचर्ड और स्टाइलाइज्ड. एनिमेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मोशन नो मैटर व्हाट द स्टाइल इज. ओके जी, नितेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं भी यही बोलना चाह रहा था. अच्छा, कोई एग्जांपल देंगे क्या कि ये कार्टून है और ये एनिमेशन है? मैम हेलो, जी जी बताएं.
Yeah, मेरे हिसाब से जो what I can understand is cartoon is basically there is a sketch or you know a character, whereas animation can be anything. It can be just a ball bouncing on a rubber pad, and then that animation is again and again visually showed. That becomes an animation. It need not be in the form of a character, but it explains or tells something. ओके कार्टून कैन बी आप लोगों का डिस्कशन सुन करके मुझे एक चीज लग रहा है कि कार्टून में आप स्टैटिक फीचर्स देख रहे हैं कि कार्टून इज स्टैटिक जिसमें शायद कोई मूवमेंट नहीं है एज इन कॉमिक बुक्स राइट और जब आप एनिमेशन की बात करते हैं तो वो आपको स्क्रीन पर कुछ चलता फिरता मूवमेंट करता हुआ नजर आता है ठीक है तो अगर मैं बात करूं आपकी सबने देखा होगा डिज्नी के कार्टून्स डोनाल्ड डक सबने देखे हैं यस मैम और वही कार्टून्स जब आप टीवी पे देखते हैं तो आपको वो डोनाल्ड डक चलती हुई नजर आती है तो वो क्या है वो कार्टून है कि एनिमेशन है एनिमेशन है मैम एनिमेशन है और अगर उसमें हम मूवमेंट हटा दें और स्टैटिक पिक्चर आ रही है और पिक्चर कुछ कह रही है स्पीच बबल के थ्रू कार्टून तो कार्टून है मैम फिर वो कार्टून है राइट तो बेसिक डिफरेंस यही हुआ अब मुझे ये बताओ ये जो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस इसमें एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है एक्सेसिबिलिटी का मतलब दैट सब लोग सब तरह के लोग यूज कर सकते हैं ओके जब आप कहते हैं सब तरह के लोग यूज कर सकते हैं तो सब तरह के लोगों में कौन शामिल है एक्सेसिबल कहने का मतलब एजुकेटर सभी लोग टीचर एजुकेटर स्टूडेंट ओके टीचर एजुकेटर स्टूडेंट अभी समबडी एल्स वाज सेइंग समथिंग जी सर मैम कोई दिव्यांग भी आ सकता है CWSN के लोग भी आ सकते हैं जो लोग ब्लाइंड है वो भी उस चीज को महसूस कर सके सुन सके जो जो लोग डीफ हैं वो भी उस चीज को विजुअलाइज कर सके तो एसेसिबल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी लोग एसेस कर सके सभी लोगों तक वो चीजें पहुंच सके ओके कोई और ऐड करना है आई थिंक मैम जी आई थिंक the digital resources which do not need any license to access okay so aap open do not require any license yes open educational resources ki baat kar rahe hain okay so basically CWSN teachers students teacher editor no license required free to use anybody else what could be accessible resources That too, digital resources. जी बताएं जो हमारे पहुंच के अंदर हो वैसे डिजिटल रिसोर्सेस जो हमारी पर डिजिटल रिसोर्सेस पहुंच के अंदर हो हम उसको एक्सेस कर पाए जिसे अभी मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से कर पा रहे हैं या फिर टेलीविजन के माध्यम से कर पा रहे हैं रेडियो को ये हमारे पहुंच के अंदर है तो हम मेरा मानना है कि जिसको हम एक्सेस कर पाए ठीक है अच्छा जब आप एक्सेसिबल की बात करते हैं आपने बात की सुगम्यता की ठीक है सुगम्य भारत की जिस तक हम सुगमता से पहुंच पाए अब ये बताइए अभी आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो हिंदी में चल रहा है सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ मलयालम आती या कन्नड़ आती क्या फिर ये प्रोग्राम आपके लिए एक्सेसिबल होता शायद नहीं होता क्यों क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर क्रिएट करती है ना तो एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जिनको सभी लोग सरलता से सुगमता से अपने प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सेस कर पाए अभी मैं जब मीटिंग शुरू हुई तो मैं देख रही थी किसी ने क्लोज्ड कैप्शनिंग की है
क्लोज कैप्शनिंग से क्या होगा, मैं जो बोल रही हूँ उसका टेक्स्ट आ जाएगा, जितना भी कंप्यूटर को समझ में आता है वो ऑटोमेटिकली स्पीच टू टेक्स्ट कर देता है, जिसका कभी कभी अर्थ सही निकलता है, कभी कभी अर्थ खराब भी गलत भी हो जाता है, क्योंकि मेरा प्रोनंसिएशन डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है, तो कंप्यूटर को जितना समझ में आता है वो उसी हिसाब से उसको ले लेता है। पर ये करने की हमें क्या जरूरत है, स्पीच टू टेक्स्ट की हमें क्या जरूरत है? If a person cannot understand the language properly and needs assistance to understand it, then it becomes easier with this option for absolutely true. तो language का एक तो barrier dissolve होगा, दूसरा barrier अगर मैं सुन ही नहीं सकती तो फिर तो मेरे लिए session बेकार है, क्योंकि ये सब verbal session जाने वाला है, मैं कोई PPT भी शायद नहीं दिखाने वाली आपको, तो अगर मैं PPT भी नहीं दिखाऊंगी, visual भी नहीं है, video भी मैं किया हुआ है टू सेव द बैंडविड्थ, तो वो जो डेफ व्यक्ति है उसका क्या यूज है, क्या पर्पज है इस पूरी मीटिंग में, नहीं है ना? फिर तो है ना जी, तो जी, उनके लिए भी स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन हमारी काम करती है। तो एक्सेसिबिलिटी बोथ फ्रॉम डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द लैंग्वेज पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम एनी अदर डायमेंशंस जिसमें डिसएडवांटेजेस भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है? सॉरी अबाउट दैट। सो एक्सेसिबिलिटी का मतलब वो सारी डायमेंशन, जैसे किसी ने अभी कहा भी कि CWSN लोगों के लिए, तो CWSN में भी कौन आते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, हम किसको शामिल करते हैं? विजुअली इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर्ड, जी अजय जी, डीफ एंड डम, डेफ एंड डम, बस ऑटिस्टिक लर्नर्स, ऑटिस्टिक लर्नर्स तीन, स्लो लर्नर्स, स्लो लर्नर्स, ओके, एडीएसडी, फिजिकली डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड मैम, आल्सो सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पॉल्सी मैम, स्लो लर्नर्स, 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। हाँ, लेकिन अभी तो हम सिर्फ 5 तक भी पहुंचे, उस 5 में से भी 2 ऐसी आपने हमें बताए जो कहीं आरटीडी एक्ट में नहीं है, शामिल ही नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ, 2 हम यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। तो पहला कॉन्टेक्स्ट हम लेते हैं नेशनल, नहीं, पहला हम लेते हैं राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। तो 2016 में जो हमारा एक्ट बना, दिव्यांग जन अधिकार जो बना है हमारा अधिनियम, उसमें हम 21 तरह की दिव्यांगों को पहचानते हैं, 21 तरह की, दैट्स अ ह्यूज नंबर, और इनको हमने 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज हैं, जिसमें आपके क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, और भी जिसमें स्वियर डिसेबिलिटीज कंडीशंस है, रेंज ऑफ डिग्री ऑफ स्वियरिटी वेरीज। अब इस 21 तरह की डिसेबिलिटी कंडीशंस की जब हम बात करते हैं और हम डिजिटल सोर्सेस को एक्सेसिबल बनाने की बात करते हैं, तो क्या हमें 21 तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने होंगे? बताइए, पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है मैम। तो फिर कैसे, तो फिर अगर आप कहते हैं पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आप किसी ना किसी डिसेबिलिटी कंडीशन को छोड़ जाएंगे, जैसे किसी ने ऑटिज्म की बात की, तो कोई ऐसा डिसेबिलिटी हम लोग ढूंढेंगे जिसमें कॉमन कुछ कॉमन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो 21 तरह के जो आप बता रही हैं, 21 तरह के जो डिजेबल है उनको बेनिफिट मिल सके, कुछ कॉमन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये जो वाया मीडिया आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये वाया मीडिया का नाम है जो रश्मि जैन ने चैट में लिखा है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। अब यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, ऐसा अधिगम का ऐसा डिजाइन जो कि सबके लिए सर्व सुलभ हो और एप्लीकेबल हो। तो उसमें क्या आता है, जो सर्व सुलभ हो, सार्वभौमिक हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो, उसमें हम डिसेबिलिटी की क्रॉस कटिंग डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं,
और जब हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम किस किस की बात करेंगे, हमारी क्या लिमिटेशंस जो मैनिफेस्ट होंगी, वो कम्युनिकेशन के संदर्भ में होंगी, किसी को सुनाई नहीं देता तो किसी को दिखाई नहीं देता, कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई देख करके काम करना चाहता है, कोई सुन करके काम करना चाहता है, कोई इशारों में बात करना चाहता है, किसी को हो सकता है कोई पर्टिकुलर कलर का फॉन्ट पसंद हो, किसी को किसी डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट पसंद हो, यही होंगी ना नीड्स हमारी। अगर ये हमारी नीड्स हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें ऑडियो भी हो, जिसमें वीडियो भी हो, जिसमें जेस्चर्स भी हो और जिसमें टेक्स्ट भी हो, और साथ ही साथ वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे कि मैं फॉन्ट चेंज कर सकूं, मैं कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकूं, मैं साइज छोटा बड़ा कर सकूं। अगर मैं ये सारे फीचर्स एक ही प्रोग्राम में डाल पा रही हूं तो क्या होगा, मैंने सबकी नीड्स केटर कर ली। ये ही जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल ऑफ डिजाइन ऑफ लर्निंग का, विच सेज मल्टीपल मोड ऑफ एक्सप्रेशन एंगेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, जानकारी को विविध तरीकों तक पहुंचाना, विविध तरीके देना कि आप अपनी स्व अभिव्यक्ति कर पाएं और विविध तरीके दे करके जानकारी का उपयोग करने देना, ये यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और ये हमारा यकीन मानिए बहुत आसान करते हैं। और कैसे करते हैं ये काम आसान, क्योंकि ये हम मुझे सुविधा देते हैं कि मैं एक ही प्रोग्राम में ये सारे फीचर्स डाल दूं ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि आपने मेरा ध्यान नहीं रखा। और ये कैसे, ये हमने कोशिश की है थोड़ा सा CIT NCERT में अपने कुछ प्रोग्राम्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए। आई वुड लाइक टू शेयर अ सैम्पल विद यू, दिखाती हूँ अभी सेशन ओवर होने से पहले। लेकिन उससे पहले एक रेफरेंस हमने RWD एक्ट का लिया, दूसरा रेफरेंस हम लेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रेफरेंस लेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का चैप्टर नंबर 6 अगर आप देखें तो उसका टाइटल ही है इक्विटी एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा। और इसमें जैसे आपने कहा CWSN तो है ही है, इसमें और भी 4 तरह की स्पेशल नीड्स या डाइवर्स नीड्स को पहचाना गया, तो टोटल 5 तरह की आइडेंटिटीज को हम पहचानते हैं। अभी तो हम सिर्फ डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं और हमने पाया 21 तरह की डिफरेंट डिसेबिलिटीज हैं, जिसमें रश्मि जी कह रही है शॉर्ट हाइटेड और मेंटली रिटार्डेड डेफिनेटली है। शॉर्ट हाइटेड को हम कहते हैं डॉर्फ्स, ये डॉर्फिज्म है, डॉर्फ्स हैं जिनको हम बौने कहते हैं हिंदी में। और जब आप मेंटली रिटार्डेड कहते हैं तो RPWD एक्ट और NEP में कहा गया है कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, IDD को हम कहते हैं। और किसी ने ऑटिज्म की बात की, कोई बता सकता है कि ऑटिज्म क्या है या सिर्फ कहने के लिए कह दिया आपने कि हाँ ऑटिज्म भी है, क्या स्पेशल नीड्स हो सकती हैं उनकी? मतलब स्वालीनता होता है जिसमें बच्चा अपने आप में स्वालीन होता है, उसे हाँ। पता नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। शशिधर जी आपकी सॉरी आपको बीच में रोकना पड़ेगा, वॉइस थोड़ी सी कट रही है। ये बच्चे स्वालीन होते हैं, खुद में ही लीन होते हैं, ये बच्चे अपने आप में लीन होते हैं। मतलब क्या कि अगर आप इनका नाम लेकर के बुलाओगे तभी ये आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं बुलाओगे इनका नाम लेकर के तो फिर ये इनको लगेगा ये आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप बाकी बच्चों से, जैसे हम टीचर्स की आदत होती है ना, एवरीबडी टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक, पर आपने अगर इनका नाम नहीं लिया तो इनको लगेगा हमसे नहीं किसी और से बात कर रहे हैं। तो अब इनके लिए भी अगर आपको एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज बनाने हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? सो ये स्ट्रक्चर पसंद करते हैं चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड पर्संस विद ऑटिज्म। और जैसा मैं बात कर रही थी कि 2 रेफरेंसेस हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के चलना है जब हम एक्सेसिबल डिजिटल कोर्सेस की बात करते हैं। एक है RPWD एक्ट 2016 जिसमें हम 21 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटी कंडीशंस को पहचानते हैं,
और एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चैप्टर 6 में हम 5 तरह की डिफरेंट आइडेंटिटीज को पहचानते हैं, जिसमें है पहली आइडेंटिटी हमारी जेंडर आइडेंटिटी है। जेंडर आइडेंटिटी में क्या हमारे बॉयज गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर एज वेल। जब हम ट्रांसजेंडर की करते हैं तो LGBTQ सारी कम्युनिटीज को हम एंगेज करते हैं। तो जब आप एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कोई भी कंटेंट ऑफेंसिव ना हो। दूसरी आइडेंटिटी जेंडर के बाद हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या आएंगी? सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, मतलब ऐसे लोग जो सामाजिक भी अलाभान्वित हैं और आर्थिक रूप से भी अलाभान्वित हैं। तो इसमें बेसिकली आपके अर्बन पुअर्स भी आ सकते हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं अर्बन मेट्रो सिटीज में, वो भी आ सकते हैं। तीसरी आपकी आइडेंटिटी है जो हमारे SC ST माइनॉरिटीज वाले हैं। SC ST माइनॉरिटीज को हम बोलते हैं जो ऐसे लोग जो मेजॉरिटी में भी जिनका नंबर बहुत कम है, और ये आपकी और मेरी पहचानी हुई कैटेगरी है। चौथी कैटेगरीज है हमारी रीजनल आइडेंटिटीज। अब ये रीजनल आइडेंटिटीज क्या है? कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चे बहुत मुश्किल कंडीशन से, डिफिकल्ट रीजनल टेरेन से निकलते हैं और फिर स्कूल तक पहुंचते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचते हैं। कई बार वो नदी तैर करके आ रहे हैं, कभी वो नाव में आ रहे हैं, कभी वो पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसी डिफिकल्ट परिस्थितियों में जो बच्चे रहते हैं और जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी हमें डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम डिजिटल कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने की बात करते हैं ड्यू टू डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत हिली एरियाज में या बहुत रिमोट एरियाज में नेटवर्क नहीं मिलता। नेटवर्क नहीं मिलने की समस्या तो खैर हमारे अपने CIT में भी है। तो आपको ऐसी सिचुएशन डिजिटल के कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसी सिचुएशन का ध्यान रखना है जहां पर बहुत हैवी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपको लाइटर वर्जन बनाने पड़ेंगे, स्क्वीज करनी पड़ेंगी चीजें। सो ये डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। और पांचवी आइडेंटिटी हमारी डिसेबिलिटीज है, जो हमारी 21 तरह की है। अब कंटेंट ठीक है, मुझे बनाना है, एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज बनाना है, तो मुझे क्या करना है? जब आप PPT बनाते हो तो आप किस चीज का ख्याल रखते हो? क्या PPT डिजिटल रिसोर्स है? पहले तो यही बताइए। यस है मैम। ओके, PPT डिजिटल रिसोर्स है, PDF डिजिटल रिसोर्स है, टेक्स्ट फाइल हमारी डिजिटल रिसोर्स है, ऑडियो प्रोग्राम हमने बनाया वो हमारा डिजिटल रिसोर्स है, वीडियो प्रोग्राम बनाया वो हमारा डिजिटल रिसोर्स है। एंड आई एम श्योर आप सभी दीक्षा से तो फेमिलियर होंगे ही होंगे, दीक्षा पोर्टल से, है ना? दीक्षा पोर्टल से जब आप फेमिलियर हैं तो क्या आप CIT के डिजिटल कंटेंट से भी फेमिलियर है? थोड़ा बहुत फेमिलियर है। तो चलिए देखते हैं कि आप कितना फेमिलियर हैं। ओके, तो मैं आपके साथ कोशिश करती हूं कि मैं शेयर करूं। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी दिखाई दे रही है। हाँ, मैं अभी इसमें दीक्षा टाइप कर रही हूं, तो आई हैव सेलेक्टेड दीक्षा। दीक्षा के होम पेज पर हूं मैं, ठीक है? सब आप इससे फेमिलियर हैं, और मैं एक्सप्लोर दीक्षा कर रही हूं। एक्सप्लोर दीक्षा में जैसे ही करती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि मीडियम, क्लास, सब्जेक्ट आप चूज करो। तो मैं चूज करती हूँ सपोज इंग्लिश, एंड आई एम चूजिंग Class 3। सो मैंने Class 3 चूज किया। अब Class 3 की मैरीगोल्ड मैंने सेलेक्ट की। जब मैं मैरीगोल्ड सेलेक्ट करती हूं तो चैप्टर मेरे सामने राइट हैंड साइड पे खुलता है गुड मॉर्निंग, ठीक है? अब अगर मैं ये गुड मॉर्निंग देख रही हूं और मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूं, सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक हियर।
ये गुड मॉर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और मेरे सामने अब खुल गया जो मैं ढूंढ रही थी. मैं ढूंढ रही थी साइन लैंग्वेज वीडियोस. अब अगर मैं क्लिक करूं, ये नीला हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे ISL का सिंबल है, ISL के वीडियोस का. मैंने ये क्लिक, लोड ले रहा है, वो लोड कर रहा है अभी. जी मैं ये देखता था, लेकिन ये पता नहीं था मुझे ये जो आप स्क्रॉल करके लाए कि ये साइन लैंग्वेज का भी इसमें है, ये जानकारी नहीं थी. सर समझ नहीं आया आपका सवाल क्या है. नहीं सवाल नहीं, मैं कह रहा है कि ये मैं यूज करता था, इसको देखता था, लेकिन ये जो स्क्रॉल करके अप्लाई साइन लैंग्वेज वीडियोज का, तो ये पता नहीं था कि इसमें ये साइन लैंग्वेज वाला भी ऑप्शन है. हाँ नहीं, ऑप्शन नहीं है. हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो साइन लैंग्वेज में भी बने हैं और जी जिनमें ऑडियो भी है. तो ओके okay. अभी लेट मी सी. हाँ आप लोग देख पा रहे हैं क्या? जी जी देख पा यस रहे हैं. मैम. अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्लास 3 सॉरी, दिख रहा है मैम, अच्छा आ रहा है. क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 गुड मॉर्निंग दिख रहा है, क्योंकि मैंने पॉज किया है अभी. यस यस मैम. ठीक है चलिए हम इसको ऑन करते हैं. मैरी बुक 3 टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 3 पेज 1 Unit 1. Do you like to wake up in the morning? See what the child in the poem feels. Good morning. Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning. जी, सो अभी हमने स्टॉप शेयर किया है, तो आपको देख पाए आप सभी लोग, तो क्या अच्छा लगा इसमें और क्या अच्छा नहीं लगा ये बताइए. बहुत सारे मैम एक्शन लगा कि समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन जो है वो थोड़ा सा लगा कि हाँ कम समझ रहे हैं. थोड़ा बहुत और कहीं पे साइन कुछ लैंग्वेज और होना चल रहा चाहिए. है. एक मिनट. बहुत सारे विंडोज खुले हुए हैं, तो देखना पड़ेगा ये कौन से पे चल रहा है कुछ. जी सर, तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं. जी मैम. ओके, और कोई अच्छा क्या लगा इसमें? और बहुत सारे एक्सप्रेशन से लगा कि बच्चे जो है ना एक्सप्रेशन से भी सीख सकते हैं, तो वो एक जो बिहेवियरल मतलब क्लास 3 जो बॉडी लैंग्वेज है उससे एक आइडिया आया कि हाँ इस एक्शन के थ्रू H1 हम समझा सकते हैं बच्चों को भी. हाँ, सही कह रहे हैं. अच्छा, और इसमें खराब क्या लगा? कुछ खराब है इसमें? मैम एक्शन थोड़ा क्लियर होना चाहिए था. जी बिल्कुल बिल्कुल. कैसे, क्या एक्शन क्लियर होना चाहिए था? जैसे कि मॉर्निंग वाला, सन वाला, स्काई वाला और कुछ होना चाहिए था शायद, मुझे लग अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जैसे बच्चे पोएम सुनाते हैं ये उस तरह जेस्चर्स एक्शंस हैं? रहा जी सोनल है. मैडम, सोनाली मैडम It बाकी कोई? was very fast, बहुत फास्ट जा रहा था मैम. अच्छा फास्ट जा रहा था.
एक्शन और आवाज दोनों में थोड़ा गैप हो रहा था, आवाज में और एक्शन में गैप था. ठीक है. अच्छा, ये एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, ये जो हमारे साइंस थे रैंडम साइंस नहीं है. जैसे आप और मैं हिंदी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो इंडियन साइन लैंग्वेज यूज कर रहे थे, भारतीय सांकेतिक भाषा. अब अगर आप उसको फास्ट करोगे तो जो देख रहा है और जो सुन नहीं पा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्शंस से समझ रहा है चीजों को, साइंस से समझ रहा है, उसके लिए एक साइन दूसरे साइन में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम पेस तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते एक्शंस की, समझ रहे हैं. और ऑडियो क्योंकि थोड़ा फास्ट है और उससे हमें साइंस को मैच करना है. सॉरी अबाउट इट. हेलो. हाँ हाँ बताओ. अच्छा तो ठीक है ठीक है ठीक है. 114 में लतिका होंगी, उनको कहना मुकेश मैडम बता रहे. हाँ सॉरी अबाउट इट. सो ये जो मैं कह रही थी, भारतीय सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया है, तो आपको जैसे नाम से भी पता लग रहा होगा कि भारत की एक अपनी सांकेतिक भाषा है, उसी तरह से हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है. ठीक है. तो अब ये भारतीय सांकेतिक भाषा के वीडियोज हैं जो लोग देख सकते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो सांकेतिक भाषा से अपनी बातचीत करते हैं. लेकिन अगर मेरी क्लास में कोई ब्लाइंड बच्चा भी है तो क्या मुझे ऑडियो सेपरेटली करना पड़ेगा? अगर मैं एक ही वीडियो में साइन लैंग्वेज भी डाल दूं, ऑडियो भी डाल दूं, और जैसे टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा था वो भी आ जाए, तो क्या ये एक वीडियो काफी है मेरी पूरी क्लास की आवश्यकताओं को सुगम्य बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए? सक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें. काफी हद तक है, काफी हद तक है. तो कितनी हद तक रह जाएंगी चीजें? ये कुछ ऐसा ही सवाल है कि सपोज बिल्डिंग से अगर मैं स्टेयर केस निकाल दूं. मैम जो मेंटली डिसऑर्डर्ड है जो बच्चे, मुझे लगता कि उनके समझ में थोड़ी सी शायद कम जरूर आएगी. अच्छा, यहाँ पे अजय जी दो चीजें हैं, एक है मेंटल डिसऑर्डर और एक मेंटल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. दोनों में अंतर समझना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है. मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस में आती हैं डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, उस तरह की चीज. ठीक है. और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती है आईक्यू से रिलेटेड चीजें, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड चीजें, जिसमें आपका सोचने समझने का जो स्तर है वो थोड़ा एवरेज, जो हम औसत लोग हैं उनसे थोड़ा सा कम होता है. तो इसमें दो चीजें हैं. और जब आप कह रहे हैं कि शायद उनको आपका वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वॉइस ऑडिबल नहीं है, बाकी लोग भी यही कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हम अपने सिस्टम में देखें, नहीं तो आप अपना कनेक्शन चेक करें. ऑडिबल है मैम? क्लियर है मैम. ओके, लाउड एंड क्लियर. योर वॉइस इज ऑडिबल एंड क्लियर. ठीक है, थैंक यू. सो मैं ये कह रही थी कि अगर इस तरह के वीडियोस हम बना रहे हैं तो आई बिलीव ये सभी लोग इस तरह के वीडियोस से अपना फायदा उठा सकते हैं. एंड देन वी नीड नॉट गो फॉर 21 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम. And उस 21 languages भी add कर दें, disadvantages भी add कर दें, फिर तो number और भी बढ़ जाएगा. Because 21 तो within disability categories हैं. So हमारा success mantra lies in multiple mode of engagement, expression and representation, right? So आप एक ही video में सारे features डालें, जैसे हमने ये sign language videos में कोशिश किया है, तो आप हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं. अब बट मैम, हाँ जी बताइए. बट इसके लिए तो हमें साइन लैंग्वेज भी सीखना होगा ना. आप एक बात बताइए, जो स्क्रिप्ट आप लिखेंगे यहाँ पे, जो प्रोग्राम्स आप बनाएंगे, आप खुद एक्टिंग भी उसी में करने वाले हैं क्या? जी मैम. भाई जब आप कोई मूवी बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तो yes. महेश भट्ट साहब ने क्या खुद एक्टिंग भी खुद ही की थी क्या? नहीं, के सामने तो कोई और था. जी
बट अगर खुद से भी वीडियो बनाना चाहे तो फिर तो साइन लैंग्वेज जो है वो तो सीखना पड़ेगा ना। आप सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप क्या करें, आप वीडियो ऑडियो तो अपना डालें किसी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को बुला करके, उससे साइनिंग करा करके आप वीडियो में एडिटिंग टेबल पे एम्बेड करा लें। जी वो भी तो कर सकते हैं ना। यस मैम, क्योंकि हमारे ये वीडियोस इसी लेवल पर बने हैं, जैसे पहले हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर हमने ऑडियो के बेसिस पर हमने साइंस बना करके साइन लैंग्वेज रिकॉर्ड किया। कई बार हम प्रोसेस रिवर्स भी कर देते हैं, पर कोशिश ये रहती है ऑडियो के साथ साइन मैच हो, फिर एडिटिंग टेबल पर ऑडियो टेक्स्ट और साइन तीनों को स्टिच किया गया। कई बार ये भी होता है कि ऑडियो हमारा रेडी नहीं होता तो साइनर रेडी होता है, तो हम क्या करते हैं पहले साइन करा लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर ऑडियो बनवा लेते हैं, फिर एडिटिंग टेबल पर साइन ऑडियो और ग्राफिक जो हमारा टेक्स्ट था उसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। पर आप साइन लैंग्वेज की बात करें तो कोशिश ये करें साइनर आपका डेफ हो। तो अगर डेफ साइनर से आप बातचीत कैसे करेंगे, इंटरप्रेटर के माध्यम से, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के माध्यम से, तो ये कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर टेक्स्ट बुक्स एंड योर प्रोग्राम्स एक्सेसिबल। अब आप कोई भी कहानी लिखें, कोई भी रिसोर्स बनाएं, डिजिटल रिसोर्स, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जैसे एक टीवी पे अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई रेसिपी बता रहे हैं, ठीक है, तो वो रेसिपी देख करके आपने YouTube से देखी, अब आप उसको बनाने की कोशिश करें, और सपोज मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या मैं उस रेसिपी पे काम कर पाऊंगी? नहीं। कितने लोगों को लगता है कि ब्लाइंड लोग किचन में काम नहीं कर सकते? करते हैं मैम, करते किचन हैं। में काम तो कर सकते हैं मैम, बट अकॉर्डिंग टू दैट रेसिपी व्हिच वाज शोन ऑन, केवल जो दिखाया गया है। हाँ, उसमें आवाज भी तो है यूट्यूब में, या तो सुन करके भी नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं मैम, सुन के कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है, यूट्यूब की कोई भी रेसिपी जरा आंखें बंद करके देखिए, सुनिए, और फिर सोचिए कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो आपको उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने तो मैम इतना तक देखा है कि अगर जो ब्लाइंड है तो इवन हॉस्टल में मैं जब था तो जो इलेक्ट्रिक वर्क जो है, मतलब अगर रूम में कोई प्रॉब्लम हो गया तो खुद से जो है सो पॉजिटिव नेगेटिव एंड को कैसे कनेक्ट करते हैं स्विच से, वो भी करते रहते हैं, देखा मैंने। वो तो वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो कर लेंगे अपनी लाइफ को मैनेज, आपसे और मुझसे बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। पर यहाँ मेरा सवाल ये है, क्योंकि हम एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो एक यूट्यूब पर जो वीडियो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, किसी का भी सही, कोई रेंडम वीडियो चूज कर लीजिए, जरूरी नहीं रेसिपी है, उसमें देखिए कि आप क्या चीजें हैं ऐसी इस वीडियो में जो शायद ब्लाइंड बच्चे को देखने में या समझने में दिक्कत होगी। कोशिश कर सकते हैं क्या हम? क्योंकि हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसी एक्सेसिबिलिटी को लेकर के आई वुड लाइक टू शेयर अनदर थिंग विद यू। एक हमारा, क्योंकि हम एजुकेशनल कंटेंट पर फोकस करेंगे, तो जब हम एजुकेशनल कंटेंट पर फोकस करते हैं तो हमें अपने करिकुलम का भी ख्याल रखना है। जब हम करिकुलम का ख्याल रखेंगे तो एनसीईआरटी की कुछ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें एक चैनल है हमारा एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज ही का सेशन है हमारा ये वाला, इसका टाइटल आप देखेंगे जहां पर मेरा कर्सर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आपको मेरा ही नाम दिखाई देगा, क्योंकि आज ये मैंने लिया है। बस सब पड़ोस पड़ोस के रहने वाले बच्चे हैं, और शायद लगता है कि वो एक ही स्कूल में पढ़ते भी होंगे। अब काफी विषय, एक दिव्यांगता वाले बच्चे को हम शामिल करेंगे जी, देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। तो हम शुरू करते हैं, पहला ये पृष्ठ हमारा पाठ 10 का, थप रोटी खतदार। अब नाटक है, तो नाटक की जो पूरा जो सेटिंग है, पूरा उसका जो स्टेज है, जो मंच है, मंच स्थापना भी वैसे ही है।
कि पर्दा खुलता है और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, सब बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, हंस रहे हैं बहुत उत्साह के साथ, ये मंच सज्जा है, ठीक है। अचानक से मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है, तो वो लड़की जो घर से सारा सामान लेके आई थी वो मुन्नी है, और मुन्नी आते ही नीना को बुलाती है, नीना उसकी सहेली है जी। कहती है नीना नीना बाहर आओ, तो मुन्नी कह रही है ओ नीना सुन, नीना सुन। नीना एकदम से पास आती है, कहती है क्यों क्या बात है मुन्नी। मुन्नी कहती है देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन सब चीजें ले ली हैं, चल रोटी का खेल खेलेंगे, रोटी का खेल खेलेंगे। अच्छा ये देख करके ये पढ़ करके कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये उस जमाने की बात है जब शायद बच्चों के हाथ में भी खाई है, लेकिन उसकी थाली में तो हमेशा पकी हुई रोटी दाल आई होगी। पर सोचने वाली बात ये है, क्या उसको पता भी है कि रोटी बनने से पहले उसका क्या स्वरूप है, बनने से पहले उसका क्या स्वरूप है। तो देखते हैं मुन्नी ने क्या क्या चीजें ली। मुन्नी ने लिया आटा, तो मेरे पास है थोड़ा सा आटा, तो हम ये दिखाना चाहेंगे, देखे ये आटा, और ये पाउडर की फॉर्म में है, बिल्कुल एकदम पाउडर पाउडर जैसा है, ठीक है। लेकिन आटे का जो टेक्सचर है, और जी अब मैंने फिर से रोका ये और मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ये वाला एपिसोड भी देखें और इसके पिछले जितने एपिसोड्स हैं सब एनसीटी ऑफिशियल यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, ये लाइव प्रोग्राम होता है हमारा आधे घंटे का, हम एक टेक्स्ट बुक एक चैप्टर लेते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं और एक क्लास लेते हैं, जो भी चैप्टर में चीजें दी हुई हैं हम उनको एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आज के चैप्टर में रसोई का रोटी का खेल खेल रहे हैं बच्चे, तो लेकिन अगर कोई ब्लाइंड बच्चा हो तो उसने, अब आप कहेंगे रोटी तो उसने भी खाई है, बिल्कुल खाई है, लेकिन क्या आपने और मैंने कभी सोचा उसने कभी ये देखा कि गीला आटा कैसा होता है, हमने कभी उसके हाथ में दिया नहीं है, हमने कभी उसको सूखा आटा नहीं दिया है उसके हाथ में। तो ये चीजें एज ए टीचर आपको और मुझे इतना संवेदनशील होकर के सोचने की जरूरत है। द सेम अप्लाइज टू आर डिजिटल रिसोर्सेस, मैं जो बोल रही हूँ उसके साथ में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है हमारी उस सीरीज में, तो अगर कोई डेफ भी देख रहा है तो वो आसानी से साइन के थ्रू समझ सकता है। ये बहुत सरल सा तरीका है, सरल सा मतलब है अपने रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बनाने में। बस हम ये सोच लें जो भी हम कहानी लिखें, जो भी हम डिजिटल रिसोर्स बनाएं, अपनी टेक्स्ट बुक बेस बनाएं, अपने करिकुलम बेस बनाएं, हम सिर्फ ये सोचें कि क्या यह रिसोर्स किसी ऐसे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच पाएगा जो शायद देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, जिसकी भाषा अलग हो, हमें क्या और इसमें ऐड करना होगा, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैडम मेरा एक सवाल यह है कि अगर कोई डेफ बच्चा है तो उसको हम किसी सेंसर की मदद से जो भी चीजें चल रही है वीडियो में वो दिखा सकते हैं या उसको अनुभव करवा सकते हैं क्या, कुछ सेंसर्स की मदद के मदद से? कौन सी सेंसर्स की मदद से कराना चाहेंगे सर? मतलब मैंने एक वीडियो देखा था जो कोक स्टूडियो फॉर डेफ एंड डम्ब बोल के एक है जो पाकिस्तान में कराची में उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था, और उन्होंने जो भी म्यूजिक बज रहा है वो उनको एक्सपीरियंस करवाया था कुछ सेंसर्स की मदद से, और ऐसे सेंसर्स अवेलेबल है मेरे ख्याल से, मैंने एक वेबसाइट भी देखी थी जो म्यूजिक नॉट इम्पॉसिबल बोल के MNI बोल के एक वेबसाइट है, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे ऐसे सेंसर्स की बातें की गई है जो बच्चों को या जो डेफ लोग हैं उनको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं जो भी वीडियो चल रहा है या जो भी बातें चल रही है, उस बातों की वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके उनको वाइब्रेशन की तरफ से वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस करवा के जो भी बातें चल रही है या जो भी गाना चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है वीडियो में, उसको वो अनुभव कर सकते हैं। ऐसा एक वाइब्रेशंस के थ्रू आप कर सकते हैं। एक दो डेफ म्यूजिशियंस भी हैं, वर्ल्ड रेनाउंड डेफ म्यूजिशियंस भी हैं, दे सेंस म्यूजिक थ्रू देयर फिंगर्स, थ्रू देयर बॉडी, थ्रू देयर स्टेज वाइब्रेशंस, थ्रू देयर फीट है, वो भी पॉसिबल है, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आप क्या जी साइन लैंग्वेज का ट्रेनिंग वो करते हैं उसी तरह वाइब्रेशन का भी, कहाँ रिदम कैसे है
उसका उनको कराया जाता है, तब वो उसको समझते हैं। अच्छा, अगर मैं एक छोटा सा टास्क आप लोगों को और दूं कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधें और फिर जरा 10 तरह की डिफरेंट दालें लेकर के उनका छू करके पहचाने और बताएं, आप कर पाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा मैम, लेकिन धीरे धीरे चांसेस है कि हो जाएगा। कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, हफ्ते भर की, 4 दिन की, 2 दिन की? मैम ऐसा है कि चूंकि हम लोग उस दाल को जो है देखे हुए हैं, तो हाथ पे पट्टी भी बनेगी तो थोड़ा सा हम उसको कर सकते हैं जल्दी, लेकिन फर्स्ट स्टेज में जो प्योरली ब्लाइंड हो उनको तो उसका पहले कराने के लिए टाइम लगेगा, हमें कम टाइम लगेगा। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी है, वही बात आपका टेक्टाइल जिसको हम टच कहते हैं, टेक्टाइल सेंसेशंस के साथ भी वही है, वही बात आपकी ऑडिटरी ट्रेनिंग के साथ है कि चीजों को देख करके, चीजों को सुन करके पहचानना, दैट इज ऑडिटरी ट्रेनिंग। आप आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट में कोई ब्लाइंड आता है तो आप उसको 2 दिन 4 दिन बिल्कुल कुछ मत कराएं, सिर्फ उसे डिफरेंट जगहों से परिचित करा दें कि स्टेयर्स इस हाथ पर हैं, वॉशरूम्स इस तरफ हैं, ऑफिस इस तरफ है, आपका कमरा इस तरफ है, कैंटीन इस तरफ है, बस। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन। तो आप वो जरूर कराएं, तो उससे उनको इंडिपेंडेंस में बहुत मदद मिलती है। अब क्योंकि हम एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो मंत्रा तो हमारा वही है कि डिफरेंट मोडलिटीज ऑफ मीडिया ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके हम देखें जरा। मैम एक सवाल था जी, कि जैसे आप जो अभी अपने वीडियो में क्लासेस में दिखा रही थी, तो जो साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर थे तो वो जैसे एक्ट करे थे, तो क्या अगर हम अगर इस तरह के कंटेंट बनाते हैं डिजिटली, तो क्या ऐसा कोई ऐप या ऐसा है कि जो हमारे कंटेंट को वो ट्रांसलेट करके इस तरह से बता पाए? देखो बहुत सारी एप्स पर काम चल तो रहा है, साइन लैंग्वेज की एप्स पर, ठीक है, लेकिन जो हमारी डेफ कम्युनिटी है वो वैलिडेट नहीं कर रही है। क्योंकि इस तरह के कंटेंट के लिए तो मैम जैसे रूरल एरियाज है तो वहां तो वो अवेलेबल नहीं होते ना। देखो अगर आप कोशिश करेंगे तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे इंटरप्रेटर्स हमारे रूरल बैकग्राउंड के हैं, और अगर उन्हें वहीं पर मिलेगा अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आपको क्यों नहीं वहां पे वो सुविधा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कर सकते। और अगर ना कर पाए तो आप एक काम करें, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें दे दें, हम एम्बेड करा देंगे साइन लैंग्वेज, बताइए। यस मैम, यस, है ना, पॉसिबल है ना ये? तो ये पॉसिबल, एक्सेसिबल ही तो बनाना है चीजों को। जी जी बताए और बताएं। जी मैम ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ और बताएं जी, कोई और सवाल, कोई और डिफिकल्टी की? अब जैसे मैम जी, ये जैसे अभी जो आपका वीडियो मैंने हम लोगों ने देखा जी, तो उसमें क्या था मैम कि सिंगल लैंग्वेज था, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से हो जिनका लैंग्वेज डिफरेंट हो तो उसको कैसे हम कर सकते हैं एक साथ? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखो लैंग्वेज का बैरियर है तो पहला तो सबसे अच्छा तो एडवाइजेबल ये रहता है, जैसे मेरी यूजुअली कोशिश रहती है मैं बाइलिंगुअल रहूं, लेकिन आज हिंदी का चैप्टर था तो इसीलिए हिंदी में बोला, नहीं तो अगर मैं गणित पढ़ा रही हूँ, मैं ईवीएस पढ़ा रही हूँ, तो मैं बाइलिंगुअल रहती हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों की टर्म्स इस्तेमाल करती हूँ ताकि 3 भाषाएं कवर हो जाएं, हिंदी, इंग्लिश और साइन लैंग्वेज, ये तीनों में चला जाता है। तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से देख लें कि कौन सी 2 या 3 लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस एक आईसीटी सॉल्यूशन भी है, आप ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कैप्शनिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस ठीक है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और नहीं तो अगर आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसका मेन पॉइंट नोट्स लिख करके उस लैंग्वेज में बच्चे को दे दें,
जो उसकी प्रेफर्ड मोड ऑफ लैंग्वेज है. यस है ना जी, बताइए. मैम हेलो जी, बताएं. मैम जो साइन लैंग्वेज का कंटेंट है वो कौन से स्टैंडर्ड तक कर सकते हैं हम, कॉलेज लेवल के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ने आपको मना नहीं किया. अच्छा आप ये बताओ आपकी मदर टंग क्या है? हिंदी? मराठी. मराठी है तो आप न्यूज़पेपर कौन सी भाषा में पढ़ना पसंद करेंगी, मराठी में, हिंदी में या अंग्रेजी में? मराठी में. ऑफ कोर्स, तो मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है, अगर मुझे कंटेंट उसमें मिल जाए तो क्या बात है. ओके थैंक यू मैम. है ना. अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि डेफ एक दूसरे से फोन पर कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, कर पाते होंगे क्या? कुछ आइडिया नहीं मैम. कोई आइडिया नहीं है? आप कभी वीडियो कॉल किए हो? यही होंगे वीडियो कॉल भी करते हैं. हाँ, तो डेफ लोग भी करते हैं, वीडियो देख करके एक दूसरे को साइन करते हैं और बात करते हैं साइन लैंग्वेज में. पर जिसने भी वीडियो कॉल बनाई होगी, डेवलप की होगी, उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि ये डेफ लोगों के इतने काम आएगी. नहीं सोचा होगा ना. बिल्कुल नहीं. टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें डिसएडवांटेजेस डाइवर्स नीड्स के बच्चों को एक्सेसिबल बनाती है, वो चीजें उनके लिए संभव करती है जो चीजें उनकी लाइफ में शायद पहले पॉसिबल थी ही नहीं. यस, टॉकबैक फीचर्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ब्लाइंड लोग करते हैं. मैम मैंने अभी जो पूछा आपको वो हमें पीएमई विद्या चैनल के लिए ऐड करना है 11th स्टैंडर्ड के लिए, इसलिए पूछा था. हाँ बिल्कुल करिए ना, पीएमई विद्या चैनल के लिए आपको ऐड करना है. आप बिल्कुल वीडियो बनाएं, किसी इंटरप्रेटर को ढूंढने, वो आपकी जो भी ऑडियो है उसको साइन में इंटरप्रेट कर देंगे, फिर आपको लगा दीजिए. जैसे आप कई बार न्यूज में भी देखते हैं ना कि पूरा न्यूज चल रहा है और साइड में छोटा सा इंटरप्रेटर इंटरप्रेटिंग कर रहा है, तो वैसे भी. मैम मैंने बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह है वो उनके मैसेजेस ये है कि हम लोग को ISL प्रॉपर पता नहीं है. तो डॉक्टर्स को थोड़ी ना पता होगा ISL के लिए, तो आपको डेफ कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा. अच्छा हाँ हाँ हाँ. डॉक्टर तो मेडिसिन का होता है ना, कोई बीमारी थोड़ी है. नहीं ज्यादा मैम, पांडा का ही एक कॉलेज ऐसे मिला है जो वहाँ पे ISL लैंग्वेज प्रॉपर पता है करके. कहाँ पर? हाँ बांद्रा में. बांद्रा में, मुंबई में. अरे मुंबई में तो आपका अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट. हाँ वही वही अलियावर जंग ही नाम पता चला. लेकिन मैम उनसे को हम कैसे कॉन्टेक्ट करें, ऑफिशियली कुछ करना पड़ेगा? करें, बिल्कुल करें. Okay, उनको करें. और फिर आपका संतोष कॉलेज है, वो भी आपका KL शाह कॉलेज. KL शाह कॉलेज वाले भी साइन लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो आप वो भी करा सकते हैं. ठीक है. ओके मैम. ओके मैं SCERT से बात करके करवा दूंगी. हाँ SCERT मुंबई भी जरूर कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, तो आप वो भी. हाँ हाँ मैं भी SCERT से हूँ मैम, मतलब चैनल कोऑर्डिनेटर. हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना KL शाह कॉलेज तो बहुत अच्छा काम कर रहा है. अच्छा ओके मैम, मुझे आलिया वजन का पता चला था मैम. हाँ. पर वो उनसे हाँ कैसे करें ये पता, मतलब आइडिया नहीं है. बिल्कुल हम, हमारे पहले वीडियो उनको पहले भेजने पड़ेंगे टीचर्स को, फिर वो इंटरप्रेट करके देंगे ना. कर सकते हैं अगर उनके पास है तो, नहीं तो आप अपने आप, आप SCERT दिल्ली से हैं तो SCERT दिल्ली तो खुद भी सक्षम होना चाहिए ना इन सब कामों के लिए. हाँ SCERT महाराष्ट्र आप पुणे से. हाँ SCERT पुणे में कब होना चाहिए ये काम, तो आप कोशिश करिए, आप मुझे कोई ना कोई तरीका. आप लोगों को तो पूरे महाराष्ट्र के लिए हैंड होल्डिंग करनी है मैडम. हाँ मैम. ओके ओके जी, बताइए किसी का कोई और सवाल है, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करें यहीं पर. तो कोई सम अप करेगा आज हमने क्या सीखा इस सेशन में? हेलो मैम. हाँ बताइए. हाँ सम अप करने से पहले मुझे एक बात पूछनी थी. जी. एक सिनेडब नाम का एक ऐप है, जो ऐप अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो तो उस फिल्म को आपकी भाषा में सुना सकता है. अगर आप ईयरफोन लगा के उस फिल्म को देख रहे हो और अगर आपके आपके पास वो सिनेडब ऐप है, तो आप उस भाषा, आप जिस जो भी भाषा आपकी हो, तेलुगु हो तो मलयालम हो, कन्नड़ा हो, जो भी आपकी भाषा हो, मराठी हो, तो उस भाषा में आप
जहां पे फिल्म पहुंची है वहां से वो अपना काम शुरू कर देता है आपको सुनाने का। तो उस आपका तरह की नाम लिखिए सर जरा चैट में, सिनेडब चैट बॉक्स में लिखिए ना सर। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। इन इनके इनके जो एक आदमी थे जो जो जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है ऐप, ये इनसे मेरी मुलाकात हुई थी इफ्फी में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा में। तो उस वक्त उन्होंने ये मुझे बात बताई थी, तो तब मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हम हमारे वीडियोस के बारे में कर सकते हैं क्या। मैंने उनको भी पूछा था पर उस वो बात आगे नहीं बढ़ पाई बाद में, क्योंकि 8 दिन के बाद वो तो चले गए, उनका कोई कांटेक्ट नहीं ले पाया मैं। पर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या कि अगर कर सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज एक लैंग्वेज में चल रहा है, हिंदी में सोचो चल रहा है कोई भी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, ये तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा सर। इससे हाँ, तो ये हाँ, होगा हाँ, कि मैंने अगर एक ही लैंग्वेज में वो बनाया कंटेंट तो हाँ, बाकी लैंग्वेजेस में ऑटो ट्रांसलेशन हो जाएगा। और सर ये तो हरियाणा गुरुग्राम में ही है और फोन नंबर भी हाँ दिया हुआ है इनका, हाँ ओके ओके, सही सही बात है, सही बात है। है ना? तो आप हरियाणा इनको हरियाणा कांटेक्ट की है करके वो। देखें। हाँ, उनका उनका सिर्फ काम करने का तरीका यह है कि उनके पास जब भी स्क्रिप्ट जाती है, जो भी अभी तो उन्होंने फिल्मों के बारे में बताई थी मेरे पास मुझे, हाँ, तो वो कि जब जब भी फिल्मों उनके भी पास कर स्क्रिप्ट पा रहे चल हैं रही तो है हमारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए भी कर पाएंगे। कर पाएंगे डेफिनेटली। बिल्कुल तो वो कर पाएंगे। तुरंत तुरंत आप जितने भी सारे रीजनल लैंग्वेजेस है उनको उनके पास से वो पूरा जो डेटा है वो ट्रांसलेट करवाते हैं और उसका उसका डबिंग करवाते हैं, तो तो इस आप तरह से करके वो देखिए, अपने बात ऐप में उसको कीजिए। अपलोड कर। हाँ और जो मैडम अभी SCERT से बोल रही थी, मैडम आप भी अब बात कर सकते हैं उनसे। हाँ मैं गोवा से हूँ मैम, मैं जी, फ्रॉम गोवा। सो अब बताइए, मुझे अनुमति है सेशन खत्म करने की? मैडम एक क्वेश्चन था मैडम। हाँ बताइए। मैडम डिजिटल रिसोर्सेस बनाने में मतलब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, सो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? लाइक अगर उनका कुछ आइडिया हो तो वो कैसे शेयर करते हो, उस बारे में थोड़ा सा जानना था। डिजिटल रिसोर्सेस बनाने में, भाई यस मैडम। जो डेफ है वो तो आपकी इंटरप्रेटिंग कर ही रहा है साइनिंग, और जो जी ब्लाइंड है वो आपको वॉइस दे रहा है, वो आपको स्टोरी आइडियाज दे रहा है। नहीं, ये अगर उनका कुछ इनोवेटिव आइडिया होगा तो वो कैसे करेंगे? तो आप उनसे बात करके पहले इनोवेटिव आइडिया तो लें, उसके बाद फिर आगे स्क्रिप्टिंग करेंगे। ओके मैडम। दो तरह की चीजें हैं। पहली चीज, आप डिसेबिलिटी एरिया के लिए काम करना चाहते हैं, और दूसरी चीज आप डिसेबल्ड लोगों को इन्वॉल्व करके काम करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है दोनों ही होना चाहिए। जो लोग डिसेबल्ड है उनसे डिजिटली वीडियो बनवाया जा हाँ सकता है, वो बिल्कुल। मिक्सअप कर सकते हैं, अब वीडियो को जैसे मिक्सअप कर मैं सकते हैं। और आप डिसेबल्ड नहीं है, लेकिन हम डिसेबिलिटी एरिया के लिए काम तो कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिए। यस मैडम, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए उनका भी तो कुछ आइडिया होगा ना, तो मतलब बिल्कुल, प्रॉब्लम आप हो ये तो तो वो एंड कैसे यूजर फिक्स करें। रिसर्च आपको करना ही पड़ेगा ना। कि अब जैसे हमने ये UDL वीडियोस बनाए या साइन लैंग्वेज के जो मैंने दिखाया आपको, तो हम एंड यूजर से पहले हमने बात किया ना, हमने डेफ कम्युनिटी से बात किया, हमने उन्हीं लोगों को लिया कि आप बताओ हम ऐसा सोच रहे हैं। तो पहले तो उनका बहुत रेसिस्टेंस था कि नहीं इसमें ऑडियो क्यों डाल रहे हैं, हमें तो चाहिए नहीं। फिर उनको समझाया कि देखो NCERT बना रही है तो एक कम्युनिटी के लिए नहीं बनाएगी, हमें सबका ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम UDL बेस्ड बना रहे हैं चीजें। तो नेगोशिएशंस तो करना पड़ेगा। जी जी मैडम, थैंक यू। जी सो नाउ टीम CIT, आप हैं यहाँ पर? माय जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं प्लेजर। सुन रहे थे मैम, आपका सेशन काफी इंगेजिंग, इनरिचिंग और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था। काफी पार्टिसिपेंट्स बहुत ही एंथुजियास्टिकली क्वेश्चंस पुट कर रहे थे और अभी भी लग रहा है कि क्वेरीज खत्म नहीं हुई हैं। इन एनी केस आप लोगों की और भी क्वेरीज हैं तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, मैम को वहां आंसर कर देंगे आपको। हाँ बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंट लिसनिंग। एंड एक काम और कर सकते हैं, अगर आप टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस में अपना एज ए एक्सपर्ट जुड़ना चाहें तो देन बिल्कुल हेजिटेट ना करें। यू कैन टेल मी एंड आई ट्राई टू शेड्यूल अ सेशन विद यू। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू मैम फॉर सच एन एनरिचिंग सेशन. थैंक यू मैम. अभी